नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ में ऐसे कौन से लकी चिन्ह होने चाहिए जिससे आप लॉटरी और सट्टा गैम्बलिंग इसमें आप पैसे जीत सकें। और देखिए, जब भी हम ये लॉटरी सट्टा गैम्बलिंग कुछ भी करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जीतें, अच्छा खासा धन कमाएं, उसमें हमें लाभ होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपकी रिंग फिंगर, देखिए रिंग फिंगर होती है ये वाली, रिंग फिंगर अगर मिडिल फिंगर के काफ़ी करीब है, यानी कि एक तरह से बराबर आ जाना, काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ जाना, इस तरह का योग अगर हाथ में दिखे, दोनों बराबर सी हो जाएं, काफ़ी एक तरह से कहना चाहिए बहुत कम गैप हो अगर, तो ऐसे लोग बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं और अपने लाइफ, अपना पैसा, अपना एक तरह से कहना चाहिए कि सब कुछ दांव पे लगाने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, जैसे कि हम वीडियोस में बताते आए हैं कि जितनी लंबी फिंगर होती है सूर्य की फिंगर, देखिए जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना ज़्यादा इंसान हिम्मती और साहसी होता है। और तो जुआ खेलने के लिए आपके अंदर हिम्मत साहस होना चाहिए। अगर आपका कुछ लुट भी जाए तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए और उसके लिए आपके पास बहुत कुछ होना भी चाहिए। तो ऐसे करके ये तो इतना रिस्क लेना, ये दोनों बराबर हो या बहुत कम डिफरेंस हो। साथ ही साथ अगर बुध पर्वत अच्छा हो, देखिए बुध पर्वत भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बुध पर्वत बढ़िया हो, उभार लिए हुए हो, तो ऐसे में इंसान अपने बिजनेस के साथ भी रिस्क ले लेता है और जीतता भी है। अगर बुध पर्वत स्ट्रांग नहीं है तो चांसेस नहीं बनेंगे गैम्बलिंग के लिए। तो इस कंडीशन का ध्यान रखें, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे जुआ सट्टा कोई भी चीज़ हो, लॉटरी हो, तो उसमें तभी पैसा लगाएं जब आपका बुध बढ़िया हो और उंगली पे ये जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ऑलमोस्ट बराबर हो। तो ये तो पहली कंडीशन थी। और इंसान जुए और सट्टे से काफ़ी हद तक जीतता हुआ आगे तब बढ़ता है जब सूर्य रेखा भी स्ट्रांग हो, सूर्य रेखा में किसी प्रकार का कोई कट ना हो, साफ सुथरी रेखा हो। और एक चीज़ और बताएंगे कि अचानक से धन लाभ के योग कैसे बनते हैं। देखिए, जब आप जुए सट्टे में जीतते हैं तो ये एक अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं कि आप कसीनो गए या आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, अचानक से धन लाभ आप हो गया। तो यानी कि यहाँ पर जब भाग्य रेखा चलती है, देखिए भाग्य रेखा चल रही है सीधे सीधे और अचानक से डार्क हो जाए एकदम, या कुछ राह बदल ले, कोई ऐसी रेखा चलते चलते ज्वाइन हो जाए, देखिए इस तरह से, और एकदम कोई रेखा ऐसे आके जुड़ जाए भाग्य रेखा में, तो यानी कोई ना कोई लाभ कराएगी। और देखिए, उसके लिए साफ सुथरी भाग्य रेखा चल रही हो तो ये कोई लाभ का इंडिकेशन दे देती है। अब हाथ में अगर एक चीज और है कि अगर यहाँ पर मनी ट्राइंगल हो, अगर मनी ट्रायंगल अच्छा खासा बना हुआ है हाथ में, तो ये भी एक रिचनेस की निशानी है। यानी कि जो आप जुआ सट्टा खेलने के शौक रखते हैं तो उसमें आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगे, ग्रेटर ट्रायंगल होगा तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। ये तो ये तीसरी कंडीशन है। और साथ में एक चीज़ और है कि अगर आप जुआ सट्टा जब भी खेलते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, तो कई बार रेखा ये इस तरह से जाते जाते एकदम राह बदलती हुई तेज़ी पकड़ लेती है, वहाँ से पोर्शन से एकदम जब तेज हो जाना भाग्य रेखा का इस तरह से, तो ये बताता है कि कुछ गेन का इंडिकेशन देता है। चाहे आप बिजनेस से गेन करें, चाहे लॉटरी जुआ सट्टा किसी से भी गेन करें, तो ये गेन का निशानी बनती है। और एक बताएंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा जब हम जीतेंगे, तो भाग्य रेखा के उस पड़ाव पर अगर जब एकदम चलते चलते रेखा एकदम तेजी पकड़ ले, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प आपको मिल रही है, आपके करियर से अलग हटके आपको हेल्प मिल रही है, कोई गेन्स, मॉनेटरी गेन आपकी ज़िंदगी में एडअप हो गया है। हो सकता है कि आपकी रेखा यहाँ चलते चलते रुक रही हो और एकदम यहाँ से रेखा तेजी पकड़ रही हो, कई बार हाथों में रेखा यहाँ पर नहीं हो और एकदम बीच में से शुरू हो, जहाँ से भी जिस पड़ाव से, उम्र के जिस पड़ाव से रेखा शुरू हो जाए भाग्य रेखा, तो समझ लीजिए उस पॉइंट पर गेंस का इंडिकेशन ये रेखा दिखा रही है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, हमने आज के वीडियो में जाना कि जुआ सट्टा लॉटरी में गेन के चांसेस हैं या नहीं है, तो इस तरह से आप हाथ में चेक कर सकते हैं। या बिजनेस में अगर आप रिस्क लेते हैं तो बिजनेस में किस तरह से आपको गेन होगा, होगा नहीं होगा, ये सब भी आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में दबाइए बेल आइकन। हमारे
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।